हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अथर्व एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एक्सपर्ट चैनल पर दी जा रही हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। सीटें लिमिटेड हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सअप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर अपने वीडियो के दे दिया है। आप जाइए, लिंक को टच कीजिए, आप सीधे हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बनी होगी बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं। इससे यह होगा कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी वो वीडियो मिलेगी सबसे पहले आपको। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। आज हम शुरुआत करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की। तो स्पीड का मतलब क्या है? चाल। टाइम मतलब समय और डिस्टेंस का मतलब दूरी। चाल, समय, दूरी। हमें पता है कि जो चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल को स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए, जो चाल का यूनिट है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती। चाल के यूनिट को या तो हम किलोमीटर प्रति घंटे से डिनोट करते हैं या तो मीटर प्रति सेकंड से डिनोट करते हैं। इसमें किलोमीटर दूरी को व्यक्त कर रहा है और घंटा किसको? समय को। मीटर दूरी को और सेकंड किसको? समय को। तो हमें पता है कि जो दूरी का यूनिट है किलोमीटर है, घंटा है, माइल है, और समय का यूनिट क्या है? सेकंड है, आवर्स है, मिनट है। तो यदि दूरी किलोमीटर में होगा तो समय घंटे में होगा, यदि दूरी मीटर में होगा तो समय सेकंड में होगा। ठीक है, तो किलोमीटर बटे घंटे, तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ये बेसिक चीज़ है, मैं बता देता हूँ इसको। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 20 से 20 कैंसिल किया, 2 × 5 = 10 और 18 × 2 = 36, कितना आ गया? 5/18 मीटर/सेकंड। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर किसके बराबर होता है? 5 मीटर/18 सेकंड के बराबर होता है। या हम कह ही सकते हैं अगर हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, पर सेकंड मतलब अपॉन सेकंड में, तो 5/18 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, स्पीड अगर मीटर अपॉन सेकंड में है तो 1 मीटर/1 सेकंड, हमें पता है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर/घंटा। कैसे हुआ? 1 मीटर = 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 1/3600 आवर्स, 1/3600 घंटे। हमें पता है कि दो फ्रैक्शन है, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। तो नीचे वाला इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/1000 × 3600/1, 20 से 20 कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया, 18/5, ये क्या आ गया? 18/5 किलोमीटर/आवर। तो 1 मीटर/1 सेकंड किसके बराबर है? 18/5 किलोमीटर/घंटे के बराबर है। तो यदि हमारी स्पीड किलोमीटर, यदि स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो 5/18 का गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 का गुणा किया तो किस में चेंज हो गया? किलोमीटर पर आर में। ये बेसिक चीज़ थी, जानने के लिए थी। देखिए, जो पूरा चाल समय दूरी है वो तीन सेक्शन में डिवाइड है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें टाइम सेम होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डिस्टेंस सेम होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें स्पीड सेम होगी। तो सबको हम टाइप बाई टाइप समझते हैं। और सबसे बेसिक चीज़ है चाल, दूरी और समय। चाल बराबर दूरी बटे समय है। हमें दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम टाइप वन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का टाइप वन नोट करेंगे। टाइप वन, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये बेसिक चीज़ था।
कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आर में है, 5 बटे 18 को गुणा किया मीटर पर सेकंड में हो गया, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में 18 बटे 5 को गुणा किया तो किलोमीटर पर आर में होगा। देखिए टाइप वन में क्या है, इफ टाइम इज सेम, यदि समय समान है, टाइम सेम है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज भी सेम, मीटिंग टाइम ऑलवेज भी सेम। यदि समय समान है तो मिलन का समय हमेशा समान होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट वन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। यदि टाइम सेम है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है स्थान ए से चलना शुरू करता है और मान लीजिए 10 बजे चलना प्रारंभ करता है, वहीं पे दूसरा व्यक्ति स्थान बी से चलना प्रारंभ करता है, ये भी 10 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ये ए स्थान ए से चलना शुरू किया यहाँ तक आया, स्थान बी से चलना शुरू किया यहाँ पर आया, इन दोनों की मुलाकात इस पॉइंट पर हो रही है और ये एक बजे एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक बजे एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए 10 बजे चलना प्रारंभ किया था, हमारा जो टाइप वन है वो क्या है, इफ टाइम इज सेम, यदि समय समान है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज भी सेम। 10 बजे स्थान ए से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और एक बजे इस स्थान पर पहुंचता है, स्थान बी से दूसरा व्यक्ति ए से मिलने के लिए चलता है 10 बजे और 1 बजे आ जाता है। तो आप देख रहे हैं 10 बजे इसने चलना शुरू किया, 1 बजे आया, तो उसने कितने घंटे की दूरी तय की, 3 घंटे की दूरी तय किया, इसने भी 3 घंटे की दूरी तय कर दिया। मतलब यदि एक दूसरे के निकलने का समय सेम होगा तो उनके मिलन का समय भी क्या होगा, सेम होगा। इफ टाइम इज सेम मीटिंग टाइम ऑलवेज बी इक्वल, इसको आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, ए से निकला 1 बजे पहुंचा, 3 घंटे की दूरी तय किया, स्थान बी से दूसरा व्यक्ति जा रहा है ए से मिलने, 3 घंटे की दूरी तय किया मतलब 1 बजे पहुंचा, तो दोनों कितने घंटे की दूरी तय कर रहे हैं, 3 घंटे की, 1 बजे इनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि इनका मिलन निकलने का समय सेम था, चलने का समय सेम था, इसलिए टाइम इफ टाइम इज सेम मीटिंग टाइम इज ऑलवेज बी सेम। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में हम समझते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लिया कि कोई व्यक्ति ए है, स्थान ए है, स्थान ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, वह D1 दूरी S1 चाल से T समय में पूरा करता है। मान लीजिए वो यहां तक आता है, वहीं पे स्थान बी से दूसरा व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, यदि वह D2 दूरी S2 चाल से T समय में पूरा करता है, स्थान ए से एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, D1 दूरी S1 चाल से T समय में पूरा करता है, स्थान बी से एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, D2 दूरी S2 चाल से T समय में पूरा करता है। आप देख रहे हैं दोनों का टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है। हमारा कॉन्सेप्ट वन क्या है, टाइप वन क्या है, इफ टाइम इज सेम। हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, मैंने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है T1, स्पीड क्या है S1, टाइम क्या है T, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे दूरी क्या है D2, दूरी बराबर चाल गुणे समय S2 इंटू T। तो ए स्थान ए से एक व्यक्ति ने चला बी से मिलने के लिए, उसकी मुलाकात यहाँ पर होती है, स्थान बी से चला उसकी मुलाकात यहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर होती है। D1 दूरी तय किया S1 चाल से T समय में, इसने D2 दूरी तय किया S2 चाल से T समय में। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, दोनों का टाइम सेम है। D1/D2 कर दीजिए, D1/D2 इक्वल टू S1T/S2T। आप देख रहे हैं T से T कैंसिल हो जाएगा, तो D1/D2 इक्वल टू S1/S2। यदि समय समान है तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट वन मिला, टाइप वन मिला। यदि टाइम सेम है, मतलब व्यक्ति के निकलने का समय सेम है, तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, D1/D2 इक्वल टू S1/S2। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन है, एक पुलिस, एक चोर पुलिस से
200 मीटर आगे, एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है, पुलिस की चाल बारह किलोमीटर प्रति घंटा है तथा चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही पुलिस ने भागना प्रारंभ किया चोर ने, जैसे ही पुलिस ने पकड़ना प्रारंभ किया चोर को, तो चोर ने भागना प्रारंभ किया। जैसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ना प्रारंभ किया, चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया। तो कितनी दूरी चोर द्वारा, कितनी दूरी दौड़ लेने के बाद चोर द्वारा कितनी दूरी दौड़ लेने के बाद वह पकड़ा जाएगा, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक? एक चोर एक पुलिस से 200 मीटर आगे है, पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ना प्रारंभ किया, चोर ने दौड़ना प्रारंभ किया, तो चोर द्वारा कितनी दूरी दौड़ लेने के बाद वह पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, या पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए क्वेश्चन ने बार बार स्पष्ट कर दिया है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे पुलिस को पहले, ये पुलिस है और चोर उससे आगे, यहाँ पर चोर है थीफ। क्वेश्चन ने बोला दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर, 200 मीटर। चोर पुलिस से 200 मीटर आगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ही पुलिस ने भागना प्रारंभ किया, जैसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ना प्रारंभ किया, चोर ने भागना प्रारंभ किया, मतलब दोनों के भागने का समय सेम, दोनों के जब भागने का समय सेम है तो मिलने का समय भी सेम होगा। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं और डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा। हम मान लेते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ना प्रारंभ किया, कुछ ऐसे पकड़ा, यहां पर चोर को पकड़ा और चोर ने भी चला तो चोर भी यहां पे पकड़ गया। पुलिस ने दौड़ना प्रारंभ किया, इस पॉइंट पर आ गया, चोर ने दौड़ना प्रारंभ किया तो पुलिस ने चोर को इस पॉइंट पर पकड़ लिया। तो ये इनका मीटिंग टाइम। अभी आपने कॉन्सेप्ट वन देखा, टाइप वन देखा कि यदि भागने का, निकलने का समय सेम होगा तो मिलने का समय भी सेम होगा। पुलिस की चाल स्पीड दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है कि यदि टाइम सेम है तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीफ इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ। स्पीड ऑफ पुलिस गिवन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ थीफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, स्पीड ऑफ पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ थीफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड है वही डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 12 हुआ। थीफ का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 हुआ। जो स्पीड है वही डिस्टेंस होगा, जो स्पीड है वही डिस्टेंस होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 है। तो 2 किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। जब 1 का वैल्यू 100 है तो 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 × 100 अर्थात 1000। 1 का वैल्यू 100 तो 12 का वैल्यू क्या हुआ? 12 × 100 मतलब 1200। चूंकि यहाँ पे 200 मीटर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर और इसका मीटर। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चोर को। तो चोर कितनी दूरी तय करेगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर चोर चलेगा, पुलिस चलेगा 1200 मीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 200 मीटर। मतलब 1000 मीटर जब चोर दौड़ लेगा तो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि टाइम सेम होगा तो मीटिंग टाइम भी हमेशा सेम होगा, तो आप क्या करेंगे? d1/d2 = s1/s2। जो स्पीड है वही डिस्टेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक चोर को 700 मीटर की दूरी से देखता है, 700 मीटर की दूरी से देखता है
एक पुलिस एक चोर को 700 मीटर की दूरी से देखता है और पुलिस पुलिस 4.7 मीटर की दूरी 34 मिनट में तथा चोर 4.7 मीटर की दूरी 41 मिनट में चलता है 41 मिनट में चलता है या दौड़ सकता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सब देख रहे हैं। पुलिस एक चोर को 700 मीटर की दूरी से देखता है, मतलब पुलिस पहले है, चोर उसके आगे। पुलिस 4.7 मीटर की दूरी 34 मिनट में तथा चोर 4.7 मीटर की दूरी 41 मिनट में दौड़ सकता है या चलता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? देखिए, पुलिस एक चोर को 700 मीटर की दूरी से देखता है, तो पुलिस ने जैसे ही भागना प्रारंभ किया होगा, चोर ने भी दौड़ना प्रारंभ किया होगा। मतलब पुलिस ने जैसे ही चोर को पकड़ना प्रारंभ किया होगा, चोर ने भी दौड़ना प्रारंभ किया होगा। मतलब उनके दौड़ने का समय, मतलब पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने का समय और चोर को भागने का समय, दोनों समय सेम था। यदि दोनों समय सेम है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन इस डिस्टेंस ऑफ थीफ इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस। देखिए स्पीड, अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब इसमें स्पीड नहीं दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है? 4.7 मीटर की दूरी 34 मिनट में तय करता है। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4.7 मीटर दूरी कितने मिनट में तय किया? 34 मिनट में। ये पुलिस की स्पीड हो गई, दूरी बटे समय। चोर की स्पीड, चोर 4.7 मीटर की दूरी 41 मिनट में तय करता है, तो दूरी बटे समय 41 मिनट। अब आप देख रहे हैं कि 4.7 मीटर से 4.7 मीटर कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा? 1/34/1/41। हमें पता है कि दो फ्रैक्शन होते हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। अर्थात क्या मिलेगा? 41/34। तो पुलिस का जो स्पीड है वो कितना है? 41 है। चोर का स्पीड कितना है? 34 है। ये पुलिस का स्पीड है तो डिस्टेंस भी है। पुलिस कितना चलेगा? 41 चलेगा। चोर कितना चलेगा? 34 चलेगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। 34 और 41 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है। इसका मतलब है, और यहाँ पे दिया दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 700 मीटर है। तो 7 किसके इक्वल है? 700 मीटर के इक्वल है। 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 1 का वैल्यू 100 है, क्वेश्चन ने बोला। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? जब 1 का वैल्यू 100 है तो 34 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 34 × 100 कितना आएगा? 3400। अब चूंकि यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर है, तो यहाँ भी यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर। तो चोर कितनी दूरी चल चुका होगा पकड़े जाने से पहले? 3400। अगर आपको पुलिस का भी निकालना है कि पुलिस कितनी दूरी चलेगा, तो 1 का वैल्यू 100 है तो 41 का वैल्यू क्या होगा? 41 × 100 अर्थात 4100 मीटर। ठीक है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? 3400 मीटर की दूरी। क्लियर है? समझ में आया है? आगे बढ़ें। ये आपका टाइप वन क्वेश्चन चल रहा है कि यदि समय समान है तो रफ कर दूं, तो जो चाल का रेशियो है दूरी के रेशियो के बराबर होता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप से करते हैं। क्वेश्चन है, दो स्थान P तथा Q के बीच की दूरी 96 किलोमीटर
96 किलोमीटर है, दो स्थान या पी तथा क्यू के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, दो व्यक्ति राम तथा श्याम, दो व्यक्ति राम तथा श्याम जिनकी चाल क्रमशः, जिनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थान पी से क्यू के लिए एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, श्याम जल्दी पहुंच जाता है, श्याम जल्दी पहुंच जाता है तथा वापस क्यू से, तथा वापस क्यू से पी के लिए निकलता है, तथा वापस क्यू से पी के लिए निकलता है, तथा एक्स किलोमीटर चलने के बाद उसकी मुलाकात राम से होती है, तो एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, दो स्थान पी तथा क्यू के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, दो व्यक्ति राम तथा श्याम की चाल क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थान पी से क्यू के लिए एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। श्याम स्थान क्यू पर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है, तो जल्दी पहुंचेगा, माने जल्दी दूरी, ज्यादा दूरी कवर करेगा और जल्दी पहुंच जाएगा, तथा वापस से क्यू से पी के लिए निकलता है, माने वापस निकलता है रिटर्न के दौरान उसकी मुलाकात किससे होती है, तथा एक्स किलोमीटर चलने के बाद, मतलब क्यू से वह एक्स किलोमीटर चलता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है, राम से होती है, तो हमें एक्स का मान बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, दो स्थान है पी और क्यू, हमने यहाँ पे स्थान बना लिए पी और क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, राम है, दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम, दोनों स्थान क्यू से पी से एक साथ चलते हैं, देखिए एक साथ चल रहे हैं, मतलब उनके निकलने का समय सेम है, निकलने का समय सेम है, जब निकलने का समय सेम होगा तो मीटिंग टाइम भी सेम होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, इफ टाइम इज सेम मीटिंग टाइम ऑलवेज भी सेम, यदि समय समान होगा तो मिलन का समय भी हमेशा समान होगा। राम और श्याम स्थान पी से क्यू के लिए निकलते हैं, डिस्टेंस नहीं दी गई है, डिस्टेंस अच्छा दी गई है 96 किलोमीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राम का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कम है, श्याम का स्पीड ज़्यादा है, तो श्याम स्थान पी से चलना प्रारंभ किया, क्यू पर आया और वापस आ गया, मान लीजिए वो यहाँ तक आया और उसकी मुलाकात यहाँ पर राम से हुई, पी से चलना शुरू किया राम और यहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं, ये इनका मीटिंग टाइम। यदि निकलने का समय सेम होगा तो मिलन का समय भी सेम होगा, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पता है कि दोनों का जब समय सेम है तो हमें डिस्टेंस ऑफ राम अपॉन डिस्टेंस ऑफ श्याम इक्वल टू स्पीड ऑफ राम बटे स्पीड ऑफ श्याम, स्पीड गिवन है, राम का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आर, श्याम का स्पीड कितना 70 किलोमीटर पर आर, जीरो से जीरो हमने कैंसिल किया, कितना आ गया 5/7, राम कितना चल रहा है, राम का स्पीड कितना है 5, श्याम का स्पीड कितना है 7, जो स्पीड है वही डिस्टेंस है,
जो स्पीड है वही डिस्टेंस है, मतलब राम का स्पीड 5 है तो कितनी राम डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। श्याम का स्पीड 7 है तो श्याम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 7 डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब राम से ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं श्याम राम से ज़्यादा चल रहा है, तो राम कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। देखिए राम यहाँ से इस पॉइंट पी से यहाँ तक राम आया, दिख रहा है सबको, यहाँ पर कितना चला, यहाँ से 5 चला, 5 चला, और श्याम कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। देखिए ये 5 चल रहा है, 7 चल रहा है, मतलब ये क्लियर हुआ यहाँ तक 5 है, ये यहाँ तक आया तो यहाँ तक 1 चला होगा, फिर वापस रिटर्न हुआ तो वापस कितना चला होगा, 1 चला होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक वो x किलोमीटर चला, मतलब ये x कितना है, 1 है, x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल की डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, P से Q की डिस्टेंस कितनी है, 96 है। यहाँ राम की डिस्टेंस कितनी पता चल गई, 5, यहाँ कितना चला, 1 चला, वापस कितना आया, 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 6 किसके बराबर है, 96 के बराबर है, 6 की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 16, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई, 96 किलोमीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है कि x का मान क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। मतलब वह q से जब 16 किलोमीटर चल लेगा तब उसकी मुलाकात किससे हो जाएगी, राम से हो जाएगी। जब q से 16 किलोमीटर चल लेगा तब उसकी मुलाकात किससे होगी, राम से हो जाएगी। यही हमें फाइंड करना था कि x का मान क्या है, x का मतलब है कि q से जब वो वापस रिटर्न होगा तो 16 किलोमीटर चलने के बाद उसकी मुलाकात किससे हो जाएगी, राम से हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा आंसर है 16 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा और श्याम की चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। राधा और श्याम हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं। मिलन के समय श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल लेता है, तो श्याम तथा राधा के घर के बीच की दूरी क्या है। देखिए एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, मतलब मिलने जब निकलते हैं ये, तो इनका समय सेम था, निकलने का जो समय था घर से वो क्या था, सेम था। हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम राधा लिख लेते हैं, राधा, और इधर क्या है, श्याम। राधा की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा श्याम की चाल कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, मान लीजिए जिस समय राधा निकल रही है श्याम से मिलने के लिए, श्याम भी उसी समय राधा से मिलने के लिए निकल रहे हैं। राधा मान लीजिए चली और यहाँ तक आई, श्याम भी यहाँ से चले यहाँ तक आए, तो ये इन दोनों की मुलाकात इस पॉइंट पर हुई, मतलब जो इन दोनों का ये क्या है, मीटिंग टाइम, मिलन का समय। माने इन दोनों के जब निकलने का समय सेम था तो मिलन का समय भी सेम होगा, अर्थात यदि 10 बजे राधा निकली होगी घर से और श्याम भी 10 बजे निकले होंगे और ये 12 बजे इस स्थान पर मिलते हैं, इस स्थान पर मिलते हैं, तो राधा दो घंटे में 10 बजे चली तो 2 घंटे में 12 बजे पहुंची, श्याम 10 बजे से 12 बजे चले तो 2 घंटे में 12 बजे पहुंच गए। तो मैंने दोनों ने समान समय ट्रेवल किया, जितना समय राधा ले रही है उतना ही समय श्याम ले रहे हैं, लेकिन श्याम 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, राधा 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जिसकी चाल ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा, जिसकी चाल कम है वो कम चलेगा। ठीक, तो ये अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा एग्जांपल लिए थे 12 बजे 10 बजे चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। तो राधा श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, इनकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनकी मुलाकात इस पॉइंट पर होती है, इनका मीटिंग टाइम है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है जब इनका मीटिंग टाइम है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ राधा बटे डिस्टेंस ऑफ श्याम इक्वल टू स्पीड ऑफ राधा अपॉन स्पीड ऑफ श्याम। स्पीड गिवन है, राधा का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, श्याम का स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, श्याम का स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो स्पीड है वही डिस्टेंस है, मतलब राधा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 15, श्याम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 21 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 15 21 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, या 21 15 से कितना कम, 6 कम है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिलन के समय श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल लेते हैं। अभी देखिए, अभी श्याम कितना चल रहे हैं, 21 चल रहे हैं, राधा कितना चल रही है, 15 चल रही है, तो श्याम राधा से कितना ज़्यादा चल रहे हैं,
कितना ज़्यादा चल रहे हैं, छः ज़्यादा चल रहे हैं। छः की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, 500 के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला कि राधा और श्याम के घरों के बीच की दूरी क्या है। देखिए राधा कितना चल रही है, 15 चल रही है, श्याम कितना चल रहे हैं, 21 चल रहे हैं। फिर उनकी मुलाकात किससे हो रही है, राधा से हो रही है। जितना चल रहे हैं वही क्या है, उनके घरों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो घर के बीच की दूरी क्या होगी, 15 + 21 कितना आ गया, 36 आ गया। 6 का वैल्यू 500 है तो 36 का मान क्या होगा, हमें पता है यूनिटरी मेथड से करेंगे। 6 का वैल्यू 500 तो 36 का मान क्या होगा, 6 का गुणा कर दें या 1 का वैल्यू निकाल लें, तो 36 का मान क्या हो जाएगा, 500 / 6 × 36। इससे कैंसिल हो गया, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30, 3000। यहाँ पे इसका यूनिट क्या था, मीटर था, तो क्या आ गया, 3000 मीटर। तो दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3000 मीटर या 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि यदि इनके निकलने का समय सेम होगा तो मिलने का समय सेम होगा, तो डिस्टेंस d1/d2 = s1/s2, जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस होगा, जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस होगा। 15 स्पीड है राधा की, 15 स्पीड श्याम की है, तो डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, 15 और 21। दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ कितना हुआ, 6 हुआ। 6 का वैल्यू 500 के बराबर है, तो 36 का मान क्या हो जाएगा, 3000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी जानकारी यदि आपके मन में कोई संदेह हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको बेहतर तरीके से और अधिक जानकारी के साथ हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए।